हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं तुलसीराम शर्मा, आपके अपने चैनल कंप्यूटर विद तुलसी पर आपका स्वागत करता हूँ। अपनी एमएस एक्सेल 2016 की वीडियो चल रही थी। इस सीरीज के अंदर अपन होम टैब पूरा कंप्लीट कर चुके थे। अपना बचा था, मैं स्टार्ट करने वाला था इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब के अंदर मोस्ट क्या क्या चीज है वो देख लो आप। इंसर्ट टैब के अंदर मोस्ट चीज होती है चार्ट होती है, कोई भी चार्ट होता है, चार्ट ड्रॉ करना, लाइन कॉलम, ये मोस्ट चीज होती है इंसर्ट के अंदर। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ जो बार बार से में काम आती है। मैं बताता हूँ आपको कि पहाड़ी कैसे लिखते हैं अपन, गिनती कैसे लिखते हैं, वो चीज बताता हूँ आपको। जैसे मैंने यह लिखा दो, नीचे लिखते चार, मैंने यह लिखा तीन, नीचे लिख दिया छह। चारों को मेरे को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद कोने पे बिंदी आ रही है, उसके ऊपर दबा के नीचे ड्रैग कर लेना है। आठ दस्तक होते हैं, दस्तक छोड़ दिया। फिर वापस से देखो कोने पे बिंदी आ रही है, फिर प्लस का साइन कोने के रख के फिर ड्रैग कर देना है, जिधर आपको जहां तक पहाड़ी चाहिए ना वहां तक ड्रैग कर देना है। ये लो, 98 तक की पहाड़ी 8 सेकंड के अंदर हो गई। अपना नेक्स्ट आता है गिनती, सीख लेते हैं भाई क्या होती है गिनती। पहाड़े तो सर सिखा दिए होंगे आपने, लेकिन मैं गिनती और सिखा देता हूँ आपको। देखो गिनती के अंदर क्या है, एक और दो, फिर इधर आता है 11, इधर क्या होता है 12। तो वही जो पहले स्टेप दोहराई थी उसको दोहराना है वापिस से। चारों सेल करके प्लस से नहीं रहा, नीचे ड्रैग कर दो। गिनती 10 होती है, 10 तक ड्रैग करो, इधर से पकड़ के ड्रैग कर लो जहां तक अपन चाहिए ना, जितनी गिनती चाहिए वो ड्रैग कर लो। ये लो जी, 1000 तक गिनती होगी। एक बंदा बोला सर मेरे को तो ऐसे करो, आप कटवा गिनती लिख के बताओ, जान दो कटवा गिनती क्या होती है, 1 3 5 7 9 11 13 15। मैंने बोला ये ले भाई, तू क्यों घबराता है, 1 3 इधर 11 13, जैसे बोलते हैं विषम गिनती सम गिनती है ना। सिलेक्ट किया और वो ड्रैग करने काम करना है अपन को, तो इतना ज्यादा ड्रैग हो गया 10 तक, 11 13 15 17 18 आ रही है। जितने भी करना चाहो कर सकते हो आप, 73 73 75 77 है ना, ये तो क्या विषम गिनती आएगी। मैं बोलूं कि सम गिनती, सम गिनती में दो के पैड आएगी, 2 4 6 8 10 12 14 16 है ना। एक बंदा बोला सर कुछ और चीज भी सिखाओ, आप बहुत अच्छा सिखा रहे हो। तो मैंने बोला क्या सिखाऊं, वो बोला सर जैसे मैं जनवरी लिखूं फरवरी लिखूं वैसे ये भी सिखा देंगे आपको। देखो लिखो जनवरी, JUN APB, APB मीनिंग सही होनी चाहिए, मीनिंग गलत नहीं होनी चाहिए। सिलेक्ट किया, कोई कौन है प्लस साइन आया ड्रैग कर दो। अगर अक्टूबर नवंबर दिसंबर कर दो, मैंने आधे से लिखे हैं तो आधे आ रहे हैं, मैं पूरी लिखता हूँ जनवरी JANUARY, फरवरी FEBURY। मीनिंग सही होनी चाहिए, पहले बता रहा हूँ मीनिंग गलत होगी तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ये लो मीनिंग गलत है, 5 फरवरी 5 अप्रैल मई, APB APB UARY। मीनिंग सही होनी चाहिए ना, आ गया मई जून जुलाई अगस्त। इसके बाद में संडे मंडे हो जाएगा, SUN संडे, मंडे का MON MO सेलेक्ट कर लेना है ना, मेन चीज वो ध्यान रखना सेलेक्ट कर लेना है। ये लो संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे ये सब आ गए, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया आपको, ये नॉर्मल चीज गिनती पहाड़े वाड़े सब है ना। इसके अंदर मैं अभी स्टार्ट करता हूँ, जैसे मैंने अब टेबल बना ही लिया अपन ने,
उनको डिलीट कर देता हूँ एक बार। सबको डिलीट करने के लिए कंट्रोल ए करना है और डिलीट कर देना है, ठीक है। जैसे मैंने बना लेता हूँ, एक टेबल बना लेता हूँ, है ना। मेरे पास दो डेटा है, मेरे को चार्ट बनाना है। तो डाटा सिलेक्ट करने के बाद अपन डिसीजन लेंगे कि अपन को कौन सा चार्ट बनाना है, बार चार्ट बनाना है, कौन सा चार्ट बनाना है। वो देखो, लाइन चार्ट बनाना है, लाइन चार्ट बनाना, तो उस लाइन चार्ट से लेंगे। रेंज, रेंज ले ली, ये रेंज ले ली, और ओके कर देना है इसको, ठीक है। और बढ़ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा, ठीक है। आज आपने देखा अपनी वीडियो के अंदर कैसे अपन पहाड़े लिखते हैं, गिनती लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, संडे मंडे जनवरी फरवरी लिखते हैं, वो चीज मैं आपको बैकग्राउंड देना बता देता हूँ, पेज बैकग्राउंड कैसे देते हैं। चलो, और अगली वीडियो में मैं आपको इंसर्ट के अंदर जितने भी पाई चार्ट हैं सब करना बता दूंगा। तो बताइए आपको यह वीडियो कैसी लगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और बेल का आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। ओके बाय, सी यू, फिर मिलते हैं अपने अगली क्लास में।